दोस्तों अभी भी मैं एक बंदे से चैट कर रहा हूँ जो कल शाम को फोन किया रात में लगभग 9:30 बजे के आसपास और रोने लगा। वह एक स्कैम में फंस गया, एक वीडियो कॉल के चक्कर में फंस गया है और उसने 11,000 सामने वाले बंदे को पे कर दिया। इसके ऊपर हमने पहले भी ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप वीडियो कॉल के चक्कर में फंस जाते हैं, गलती से भी आप फंस गए हैं, आज के डे में YouTube इंस्टा से ज्यादा लोग Facebook यूज करते हैं। मैंने देखा है, क्योंकि मैं Facebook पर वीडियो अपलोड करता हूँ, जितना मेरा YouTube पे नहीं जाता है उसका 10-20 हजार गुना Facebook पे चलता है। तो यह चीज मुझे समझ में आती है कि YouTube से ज्यादा लोग Facebook पर वीडियो देखते हैं। देखो अभी भी मैसेज आ रहा है, मैं इनको रिप्लाई कर देता हूँ, वेट कॉल करता हूँ, ठीक है, ताकि ये भी डिस्टर्ब ना हो। तो वह फोन करके रोने लगे, सर सामने वाला बंदा मुझे परेशान कर रहा है, मैं 11,000 उसको दे चुका हूँ और मांग रहा है 30,000 रुपये। तो यह चीज मेरे पर्सनल दोस्त के साथ में हो गई। होता क्या है और इससे कैसे बचना है, अगर आपकी कोई न्यूड वीडियो फोटो उनके पास चला गया है तो वह कितने दिन तक अपने पास रखेंगे, कितने दिन तक नहीं रखेंगे, हम आपको प्रॉपर सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है। यह वीडियो देखने के बाद अगर इस मामले में आप फंसते हैं तो आपको किसी और की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। और लास्ट में मैं उस स्कैमर से भी बात करता हूं, ठीक है, स्कैमर से बात करता हूं, जब उसको मेरे बारे में पता चलता मैं कौन हूं, कैसे वीडियो बनाता हूं, तो वह बात करता, फिर उससे भी मैं कुछ सवाल करता हूं, वह भी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो होता क्या है, हम लड़कों में हम फेसबुक पर ऐसे स्क्रॉल करते जाते, कोई अच्छी लड़की मिली उसका फोटो लाइक कर देंगे, मैसेज करेंगे, या तो फिर हो सकता है कि आपके उधर ही से आपके फोटो पे मैसेज आए या फिर आपको पर्सनल मैसेज आए, ठीक है, पर्सनल मैसेज आए मैसेंजर में, मे भी हो सकता है कहीं पर आ सकता है, फिर आप उससे चैट करने लगे, हेलो हाय कहाँ पे हो, कैसे हो, आप कहाँ पे रहते हो, इस तरह से बातें होने लगे। उसके बाद में वह बात कन्वर्ट हो जाएगी आप प्राइवेट चीजों में, ठीक है, ऐसा है वैसा है, फिर उसके बाद वीडियो कॉल करेंगे, बोलेंगे आप दिखाओ, फिर वो बोलेगी आप दिखाओ, वो अपना फेस नहीं दिखाएगी, ठीक है, ऐसा कर लेगी। लड़की लड़का दोनों लोग स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। लड़के लोग क्या करते हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो प्ले कर देते हैं कैमरे के सामने, आप सोचते हैं लड़की है और फिर आप मतलब बह जाते हैं सागर के धाराओं में और सब कुछ दिखा देते हैं, फेस भी दिखा देते हैं और वह लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। या फिर कोई लड़की है जो ऐसा धंधा कर रही है लोगों के साथ स्कैम करने का, वह क्या करेगी, सबसे पहले अगर आप कॉल करेंगे तो अपना कैमरे पे हाथ रख लेगी, उसके बाद में जब नीचे करेगी मतलब सब कुछ दिखाने के लिए तो जाके वो कैमरा ऑन करेगी। तो इनकेस आप देखेंगे और आप भी जज्बातों में आके बहुत कुछ ओवरफ्लो हो जाएंगे, उसके बाद में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर आप फेस में बोलेंगे ऐसा है वैसा है ये वो, मतलब ऐसा बोलेंगे ना, इशारा करेंगे। वो बंदा वीडियो भेजा था और उसने बोला मेरी सारी चीजें आप प्राइवेट रखना, दिखाना मत प्लीज। तो भाई कोई भी बंदा है, जब तक हम उसे कोई परमिशन ना लें, कोई वीडियो या फिर कोई उसकी पर्सनल चीज नहीं दिखा सकते। तो वह बंदा सब कुछ दिखा दिया था, उसके 10 मिनट बाद, ठीक है, 10 मिनट बाद उसके व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। देखो व्हाट्सएप पे भी ऐसा मैसेज आ सकता है, इंस्टाग्राम पर भी आ सकता है और आपके फेसबुक पर भी आ सकता है। अब उसके व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, आपने ऐसी एक वीडियो बनाई है जो वायरल हुई, हमारे पास आई है। अब वहां पर तीन लोगों का फोन आता है उसके पास, पहला यूट्यूब मैनेजर, दूसरा साइबर क्राइम, तीसरा लड़की के घर वाले। तो सबसे पहले यूट्यूब वाले का फोन आता है, आपका एक वीडियो वायरल हुआ है, ऐसा ऐसा है, अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो यह वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, अगर आप इसे डिलीट करवाना चाहते हैं तो आपको 5,000 8,000 10,000 भरने पड़ेंगे। वह सबसे पहले आपकी औकात देखेंगे, ठीक है, आपकी औकात कितने रुपया देने की है। अगर आपके पास पैसे हैं और आप सोचेंगे यार कहीं ये वीडियो वायरल हो गई तो फिर मेरा क्या होगा, मेरे इज्जत के धज्जियां उड़ जाएंगी, या फिर या घर वाले देखेंगे, फैमिली देखेगी, या फिर शादी हुई है तो बीवी देखेगी, बच्चे देखेंगे, हो सकता है बहुत सारी चीजें, तो फिर आप डर के उसको पेमेंट कर देंगे। वही काम ये बंदा किया, 11,000 उसको पेमेंट कर दिया। दूसरा साइबर क्राइम का आएगा, आपने ऐसी ऐसी गलतियां करी, आपके खिलाफ एक रिपोर्ट बन रही है, ऐसा है वैसा है, आपके घर पे पुलिस जाएगी, आपने ऐसा कैसे किया, किसी लड़की का आपने वीडियो रिकॉर्ड किया या फिर किसी लड़की को आपने ऐसा बोला करने के लिए। फिर उसके माँ बाप का फोन आएगा, आपने मेरी लड़की के साथ ऐसा किया वैसा किया, मतलब हर तरीके से आपसे पैसा चूसा जाएगा, फोन आएगा, ठीक है। यह चीज मेरे दोस्त के साथ में हुआ और इस बंदे के साथ बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है। तो अब इस चीज से निपटना कैसे, देखो खेल आपके साथ किसी भी तरीके से वो लोग खेल सकते हैं, भेजेंगे स्क्रीनशॉट, ये देखो 80% यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम इसे 100% कर देंगे, ऐसा मतलब ऐसा आपको टॉर्चर करेंगे ना, आप तुरंत पैसा दे दोगे।
तो यहां पर आपको डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर ऐसा आपके साथ में होता है तो डरने की जरूरत नहीं, अगर आप डर गए तो मर गए, ठीक है। डर गए तो फिर पैसा भरते रहो, वह लोग एक बार आपकी नस पकड़ लिए ना, आपके पास पैसा है, अगर आपने 11,000 वह लोग डिमांड करते, आपने 11,000 तुरंत 2-4 मिनट में पे कर दिया ना, तो वह लोग समझ जाएंगे कि इस बंदे के पास पैसा है, अब इसे जितना चाहो उतना लूट सकते हैं। तो माँ बाप बन के फोन करेंगे, साइबर क्राइम वाले बन के फोन करेंगे, डीएसपी साहब, फलाने साहब, ढिमकाने साहब, सबका फोन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर यह गलती नहीं करनी, पैसा बिल्कुल नहीं देना, ठीक है, अगर आप फंस गए हैं तो। तो यह बंदा जब मुझे सारा स्क्रीनशॉट दिखाया, उसका नंबर दिया, तो मैं उसको मैसेज किया कि भाई ऐसा ऐसा है, तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो। तो उसने बोला कि मैं साइबर क्राइम से बोल रहा हूँ, ऐसा है वैसा। मैं बोला भाई देख, मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ और मुझे पता है तू साइबर क्राइम से नहीं है, ठीक है, व्हाट्सएप में डीपी लगाने से कोई साइबर क्राइम का नहीं हो जाता, मुझे पता है, और ये मेरी वीडियो देख ले, मैं स्कैम से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, और तुम तीनों चारों का नंबर अगर मैं यूट्यूब पे डाल दिया ना, तो पब्लिक तुम लोगों का क्या करेगी तुम लोग सोच नहीं सकते। तो इस बंदे को जो परेशान कर रहे हो ना, 11,000 इसने दे दिया ना, तो अभी चुप बैठो, इसको परेशान मत करो, अगर परेशान किए तो यह नंबर मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो वह बंदा सीधे ट्रैक पे आता है, बोलता है सॉरी सॉरी सर, प्लीज यह नंबर मत डालना, ऐसा है वैसा, बहुत सारी चीजें। तो फिर मैंने उससे पूछा, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो और कितने दिन तक करते हो, किस बंदे के साथ में करते हो? तो उसने यही बताया कि सर हमारे पास एक ग्रुप है और हम मैसेज करते हैं, जब कोई बंदा फंसता है तो सबसे पहले अगर हमारे पास लेडीज होती है तो हम लेडीज को दे देते हैं और वॉशरूम में भेज देते हैं, वहां पर सारा कार्यक्रम हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, उसके बाद में हम उसके साथ ब्लैकमेलिंग स्टार्ट करते हैं। अब ब्लैकमेलिंग किस तरीके से करेंगे, वही चीज मैंने आपको बताया कि अगर आप पैसा देंगे, अगर वह लोग नस पकड़ लिए तो आपसे चूसेंगे, ठीक है, आपने 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 दे दिया, अब वीडियो कब डिलीट होती वह भी सुन लो, 30,000, 40,000 आपने दे दिया, फिर वह क्या करेंगे, वो बोलेंगे हाँ सर आपका वीडियो डिलीट हो गया, फिर एक महीने बाद वो समझ जाएंगे, एक महीने बाद इस बंदे के पास थोड़ा बहुत तो पैसा आ ही गया होगा, एक महीने बाद फिर बोलेंगे सर आपका एक वीडियो वायरल हुआ है, पूरा कंप्लीट डिटेल नहीं हुआ है, तो ऐसा वैसा, वह दूसरे महीने भी परेशान कर सकते हैं। लोन में भी इसी तरीके से होता है, लोन का वीडियो मैं अलग बनाऊंगा, ठीक है। तो उसने बोला कि हम इस तरीके से करते हैं, जिस बंदे के पास पैसा होता है पैसा लूटते हैं। फिर मैंने बोला कि अच्छा ये बताओ, जिस बंदे के पास पैसा नहीं होता उसके साथ तुम लोग क्या करते हो? तो उसने बोला मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, एक्चुअली वन प्लस में थोड़ा सा क्लिक करते ना तो अनाउंसमेंट आता ना, योर कॉल रिकॉर्डिंग, इसकी वजह से मैं सोचा रिकॉर्ड करूंगा तो उसको पता चल जाएगा जो चीज़ बोल रहा है वो चीज़ नहीं बोलेगा। तो फिर उसने बोला कि अगर किसी के पास पैसा नहीं होता है तो हम उसे प्रेशर देते हैं, लेकिन जब पैसा नहीं होता तो क्या करेंगे, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। कितने लोग बोलते हैं, उसने बोला कितने लोग बोलते हैं कि सर भाई हम फेमस होना चाहते हैं, हमको फेमस कर दो, वायरल कर दो। जैसे अगर किसी के साथ मेरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ, क्राइम ब्रांच वाले का फोन आ रहा है, साइबर क्राइम का, पुलिस वाले का, यूट्यूब वाले का, फलाने ढिमकाना सबका फोन आ रहा है, तो कोई कोई बंदा सीधा बोलता है हेलो, वो बोलेगा कि आपका वीडियो वायरल हुआ, ऐसा ऐसा हम अपलोड कर रहे हैं, पैसा दो। सर मैं वायरल होना चाहता हूँ, मेरे पास काम धंधे नहीं है, मुझे पैसा चाहिए, आप मुझे वायरल कर दो ताकि वो वेबसाइट वाले उठा के लेके जाएं। ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं। तो मैं भी सुना, मुझे बहुत गुस्सा भी आया, बहुत हंसी भी आई, मैं बोला देखो कैसे कैसे लोग हैं। तो जो लोग पैसा नहीं देते, ये लोग जानते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, तो वह लोग डिलीट कर देते, क्योंकि ये लोग नया मुर्गा डे बाय डे नया नया मुर्गा खोजते रहते हैं। और आज के डे में ऑनलाइन फ्रॉड इतना चल गया है कि इनको रोजाना कम से कम 100 से 200 बंदे मिल जाते हैं इस तरीके से जो दिखाने वाले हैं, ठीक है, 100-200 बंदे मिल जाते हैं, फंस जाते हैं इनके चुंगुल में, और उसमें से कुछ बंदे पैसे देते हैं, कुछ बंदों को अच्छी तरीके से लोग चूस लेते हैं, कुछ बंदे पैसे नहीं देते हैं, जिन्हें यह छोड़ देते हैं। तो आप भी ध्यान रखो, अगर आप किसी ऐसे स्कैम में फंस जाते हो, वीडियो कॉल में दिखा उखा दिए हो, तो टेंशन मत लो, पैसा एक भी देने की जरूरत नहीं, उसको सीधे बोल दो भैया साइबर क्राइम में भेजना है, अपलोड करना है, डिलीट करना है, जो करना करो, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे समझ में आया मैंने दिखा दिया, बाकी अब तुम्हारी मर्जी, वायरल करो चाहे कुछ भी करो। हाँ ये भी बोल सकते हैं कि भाई प्लीज मुझे वायरल कर दो, मुझे वायरल होना मतलब बहुत अच्छा लगता है, या फिर मैं निकम्मा बंदा हूँ, मेरे पास काम धाम नहीं, वायरल कर दो। इस तरीके से वो लोग करेंगे ही नहीं। और सबसे पहली चीज, फेसबुक पे आप ऐसी वीडियो डाल नहीं सकते, है वीडियो मुझे पता है वीडियो कुछ लोग डाल के रखे, लेकिन ऐसी वीडियो आप डाल नहीं सकते, वार्निंग आएगी, कोई रिपोर्ट करेगा, आपका जो आईडी ब्लॉक हो जाएगा, खासकर इंडिया में, ठीक है, बाकी अदर कंट्री में कोई डाल सकता है वो मैं नहीं जानता। यूट्यूब पे आप जैसे डालेंगे गाइडलाइन आएगी और आपका चैनल बंद हो जाएगा। कहाँ डालोगे भाई, इंस्टाग्राम पे नहीं डाल सकते, कहाँ डालोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कहीं पर ऐसा आप मतलब गलत चीज़ें नहीं डाल सकते, सीधी सीधी बात है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ के होंगे। देखो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।